सर्जिकल स्ट्राइक तो ऑलरेडी हो चुकी है और अब भारत क्या कर रहा है पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए, ये जानकारी इस खबर में लेकर आए हैं। जी हां, भारतीय सेना द्वारा नियंत्रण रेखा यानी LOC के पार आतंकियों के खिलाफ सर्जिकल हमले के बाद पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए भारत विभिन्न आर्थिक तथा कूटनीतिक उपायों पर विचार कर रहा है। उरी हमले के बाद से पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के बढ़ते आर्थिक और राजनयिक प्रभाव का उपयोग किया है। गौरतलब है कि आकार में पाकिस्तान भारत का पांचवां हिस्सा है, जबकि उसकी अर्थव्यवस्था हमारी अर्थव्यवस्था के सातवें हिस्से के बराबर है। नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर एक सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि हमारा नया रुख रक्षात्मक के बजाय आक्रमण होगा। उसके तहत भारत पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय छवि को उजागर करते हुए उसे एक अस्थिर और आतंकी समूहों के ठिकाने के रूप में स्थापित करने पर जोर देगा। इसके साथ ही पाकिस्तान के साथ व्यापार को खत्म करने का विकल्प पर भी बात हो रही है। ये व्यापार संयुक्त अरब अमीरात जैसे तीसरे देश के जरिए भी होता है, हालांकि ये बेहद सीमित और भारत के पक्ष में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पाकिस्तान को अलग थलग करने के ये उपाय पूर्ववर्ती सरकार की तुलना में अधिक आक्रामक हैं और हालांकि विशेषज्ञों की राय है कि इनसे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ सकता है। लेकिन अगर तनाव बढ़ता है तो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि भारत पाकिस्तान से हर मामले में आगे है। खबर स्टेशन की रिपोर्ट।